Hi buddies, thank you for tuning to my channel. Hope so you all are doing great. So today video is something special related to hairstyle for that kind of girls जो मेरी category में आती है जिनको different kinds of hairstyle नहीं बनाने आते हैं, बहुत ही trending hairstyles नहीं बनाने आते हैं. They are simple, sorted and इतना time invest नहीं करना आता अपनी हेयर्स में क्योंकि हमें पता है एट द एंड कुछ अच्छा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है. टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू वन हेयर स्टाइल जो कि स्पेशली हम जैसी कैटेगरीज वाली गर्ल्स के साथ है जिनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने आते. दे ओनली गो विद ओनली वन हेयर स्टाइल जो बहुत सिंपल हो, बहुत ही ट्रेंडी हो, बहुत ही स्टाइलिश हो, बहुत ही ईजिली बन जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं कॉम लूँगी जिनके व्हाइट टीथ होते हैं वाली कॉम. देन यहाँ पे मैं यूपिन्स लूँगी, रबर बैंड एंड अ सीरम. देन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई सीरम. सो यहाँ पे मैंने सीरम अपनी पाम्स ले लिया, बहुत अच्छे से मसाज करा. देन मैं इसको अपने हेयर्स में लगाऊंगी जिससे मेरे जो हेयर्स है थोड़े से स्मूथ सिल्की से लगे. एज यू कैन सी मेरे हेयर बहुत ही फ्रीजी हैं एंड ऐसे मैसी से लगता है सो उनको मैनेज करने के लिए. देन यहाँ पे मैंने कॉम कर लिया अच्छे से जिससे सारे भी जो हेयर्स है वो डिटेंगल्स हो जाए. एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर टिप्स, यहाँ पे मैंने कॉम यूज़ नहीं करी है, हाफ ऑफ द सेक्शंस ऑफ हेयर लिया है एंड उनको पोनी टेल में बांधा है. सो यहाँ पे आप एक ट्रिक देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है. मैंने जब ये पोनी को विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड ट्विस्ट करा है हाफ ऑफ द पोनी के जो मैंने हेयर्स हैं उनको मैंने पूरी तरह से रबर बैंड से नहीं निकाला है, जो टेल थी उसको पीछे से पुल कर दिया. एंड देन मैंने यहाँ पे जो बर्न था उसको ऐसे कर दिया ड्रॉ. तो अगर आपको लग रहा है कि जो आपका बर्न है वो प्रॉपर नहीं है तो डोंट नीड टू बी वरी क्योंकि एक टाइप का मैसी हेयर स्टाइल है तो आप ऐसे बर्न क्रिएट कर सकते हैं. देन अगर आपका बर्न थोड़ा सा लूज हो रहा है तो यू कैन यूज़ यूपिन उसको अच्छे से सेट करने के लिए. एज यू कैन सी एंड जो आपकी टेल थी उसको आप अपने रबर बैंड को कवर कर सकते हैं जैसे आपकी रबर बैंड बिल्कुल भी विजिबल ना हो. सो दिस इज द बर्न हाउ इट लुक्स. एंड आगे से अपने हेयर स्ट्रेंथ को आप खींच सकते हैं जो एक पफी सा स्टाइल भी क्रिएट हो जाए. सो गाइज माई ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल्स एंड सो ओवर योर होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज जिन बर्डीज. एंड थोड़ी बहुत सिखाने में गलती हुई होगी सो इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑफ हेयर ट्यूटोरियल. अगर थोड़ी सी कुछ भी गलती होगी तो प्लीज़ इग्नोर मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज जिन बर्डीज. बाय बाय टाटा टेक केयर.